हाय दोस्तों, मैं हूँ रेनिश मदन, आपका होस्ट और दोस्त। जैसे कि मैंने आपसे वादा करा था कि हम अगली वीडियो में ये बनाना सीखेंगे, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इसको बनाना। उसके लिए मैं सबसे पहले एक नया डॉक्यूमेंट लेता हूँ जो कि HD साइज का होगा, बिकॉज मैं HD आर्टवर्क बनाना चाहता हूँ, तो मैंने ये डॉक्यूमेंट ले लिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले स्काई की इमेज है, तो हम सबसे पहले एक स्काई को सिलेक्ट करेंगे। डाउनलोड्स में मैं जाऊंगा, यहाँ पे मेरे पास इमेज है जो कि स्काई की है। मैं इंपोर्ट करूँगा इसको और इसका साइज इंक्रीज करूँगा। तो अब हमारा कैनवास फिल हो चुका है, तो मैं यहाँ पे कमिट करता हूँ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है और आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आप ऐसी और देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलती रहे। तो इस वक्त हमारा ये आ चुका है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा एक वास इम्पोर्ट करना, जो कि ये वास है। आपको याद होगा दोस्तों, हमने एक वास को क्लीन करा था लास्ट वीडियो में। उस वास को, जो कि ये वाला था, इसको हम इंपोर्ट करेंगे, लेकिन क्लीन वर्जन को हम इंपोर्ट करेंगे। तो ये हमारा क्लीन वर्जन है इसका, जो हमने लास्ट वीडियो में करा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, आप सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप वो वीडियो देखिए, उसका लिंक आपको ऊपर ही फ्लैश हो रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने डाल दिया है उसका लिंक। तो चलिए, ये हमारे पास आ चुका है। सबसे पहले हमने इसकी सिलेक्शन बनानी है, तो हम क्विक सिलेक्शन टूल का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप 2020 यूज़ कर रहे हैं फोटोशॉप का वर्ज़न, तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन सेलेक्ट करूँगा और ऐसे ड्रैग करूँगा, तो ये इसके बीच में फाइंड आउट करेगा कि ऑब्जेक्ट कौन सा है, और हमारा सिलेक्शन इसने क्रिएट कर दिया है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी सिलेक्शन क्रिएट नहीं हुई है, यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा स्टफ आ रहा है जो कि बैकग्राउंड है, हमें इसे रिमूव करना है। मैं कंट्रोल प्लस करूँगा और साथ में क्विक सिलेक्शन टूल लूँगा, इसको हम माइनस पे रखेंगे, और मैं इसके ब्रश को बढ़ाता हूँ, क्लिक क्लिक, ये दोनों डीसेलेक्ट हो चुके हैं। अब हमें इन पोर्शंस को डीसेलेक्ट करना है, उसके लिए हम साइज़ को छोटा करते हैं लेफ़्ट ब्रैकेट की से। ग्रेट, हमारा ये सिलेक्शन क्रिएट हो चुकी है। हम इसे रिफाइन कर सकते हैं सिलेक्टेड मास्क में जाके। सिलेक्टेड मास्क में आके आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लाइट ट्रैप आ जाता है दोस्तों, जो कि एक नेचुरल चीज़ है। यहाँ पे लाइट ट्रैप बन के आएगा, तो आप उसको रिमूव करना चाहेंगे। उसके लिए मैं डीकॉन्टेमिनेट कलर्स पर क्लिक करूँगा, आप देखेंगे कि एजेस पे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, और ये काफ़ी अच्छे से ब्लेंड होना शुरू हो जाएगा। इसमें हम थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं एजेस को नेगेटिव में, सो डैट कि अगर कुछ एक्स्ट्रा सेलेक्ट हो गया हो तो वो रिमूव हो जाएगा। थोड़ा स्मूथ कर देते हैं, और साथ में ही थोड़ा सा फैदर, बहुत माइनर सा फैदर, इस तरह से। और हम इसको कमिट कर देते हैं चेंजेस को, तो आप देख सकते हैं कि हमारा वास प्रॉपरली आ चुका है। मैं इसको प्लेस कर लेता हूं जिस जगह पर मैं प्लेस करना चाहता हूं, उसके लिए मैं कंट्रोल टी प्रेस करूंगा और इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म भी करूंगा, जैसा कि मैं इस तरह से लगाना चाहता हूं, थोड़ा साइज छोटा करना चाहता हूं, तो इस तरह से। तो अब आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से कंपोजिट हो चुका है यहाँ पे, बट हमारे पास एक इशू है, जो एजिस हैं, एजिस का हमें ये पोर्शन नज़र आ रहा है थोड़ा सा। तो मैं उसके लिए एक ब्रश टूल लूँगा, जिसमें कलर सेलेक्ट करूँगा ब्लैक फोरग्राउंड पे, और यहाँ पे लेयर मास्क को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर इस तरह से इसको फेर दूँगा। तो अब हमारी इमेज क्लीन हो चुकी है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा क्लाउड्स को ऐड करना,
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये एक्सटर्नल क्लाउड से इंपोर्ट करे थे, उनको ऐड करा था, बट हम यहाँ पे कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा हम इस इमेज के क्लाउड्स को यूज़ कर सके उतना बेहतर होगा। उसका एक रीज़न ये है कि ये वाले क्लाउड्स ब्लेंड बहुत अच्छे से होंगे इस इमेज में, क्योंकि उसका रीज़न है कि ये इस इमेज में से ही हैं, इस इमेज के एनवायरनमेंट में से हैं, तो हमें रीकलर करने की कोई इशू नहीं रहेगा। तो चलिए हम इसके ऊपर वर्क करते हैं। तो मैं एक नई लेयर ले लेता हूँ, चाहूँ तो मैं इसको बंद कर सकता हूँ क्योंकि मैं बैकग्राउंड पे वर्क करना चाहता हूँ। रेफरेंस के लिए मेरे पास यहाँ पे वास था, तो इस जगह को मुझे फिल करना है। तो एक काम हम ये करते हैं इसमें कि हम क्लोनिंग टूल में जाते हैं, सॉरी रीटचिंग टूल्स में जाते हैं और यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं कंटेंट अवेयर मूव टूल। दोस्तों ये क्या करेगा, यहाँ पे मैं जब सिलेक्शन बना लूँगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे सिलेक्शन बना ली है, उसके बाद मैं यहाँ पे मोड चेंज करूँगा एक्सटेंड पे। नॉर्मली ये मोड अगर आपने अभी तक नहीं यूज़ किया है तो मूव पे होगा, जो कि एलिमेंट्स को मूव करता है एक लोकेशन से दूसरी जगह, बट हमें एक्सटेंड करना है, हमें इसके कॉपी बना के दूसरी जगह प्लेस करनी है, तो इसलिए हम एक्सटेंड यूज़ करेंगे और थोड़ा सा कलर्स के साथ खेलेंगे। ये क्या करेगा दोस्तों, ये जिस जगह पे हम प्लेस करेंगे उस जगह के कलर्स के साथ थोड़ा सा मर्ज होने की कोशिश करेगा, जिससे कि हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने के चांसेस हैं। मैं अब इसको ट्रैक करूँगा, इस तरफ मैंने ट्रैक करा है, अब ये अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ से कटा हुआ आ रहा है, प्रॉपर नहीं है हमारे पास। तो मैं राइट क्लिक करके इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दूँगा, ताकि मैं इसको यहाँ एज पे लगा दूँ और मैं इसको छोटा कर सकता हूँ, जैसा भी मैं एडजस्ट करना चाहूँ इसको एडजस्ट कर सकता हूँ, और यहाँ पर मैं डन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसने कैलकुलेट करना शुरू कर दिया है और ये हमारा बहुत अच्छे से प्लेस हो गया है, कोई कह नहीं सकता कि हमने इसको कहीं से और लाकर प्लेस करा है। तो अब मैं क्या करूँगा, अपना वास ऑन करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं जिन्हें हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा, तो चलिए अब इन इश्यूज पे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक लेयर मास्क लूँगा, लेयर मास्क लेने के बाद ब्रश टूल को ऑन करूँगा, ब्रश टूल लेने के बाद मैं यहाँ पे ब्लैक कलर को फिल करना शुरू करूँगा जहाँ जहाँ पे, और इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हमारा जो सा ब्रश टूल होना चाहिए वो हमारा सॉफ्ट होना चाहिए, ये डिसाइड करता है कि कितना सॉफ्ट है। मैं ज़ीरो पे रखूँगा इसको, तो ये बिल्कुल ही सॉफ्ट होगा क्योंकि हार्डनेस हमने बिल्कुल ज़ीरो कर दी है ब्रश की, तो एजेस इसकी सॉफ्ट होंगी, ईजिली क्लब हो जाएंगी। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये मिक्स हो रही है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, हम कुछ क्लाउड्स यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, तो मैं क्लाउड्स को इंपोर्ट करता हूँ। तो हमारे पास डाउनलोड्स में कुछ क्लाउड्स हैं, जैसे कि ये वाला, बट मैं ये वाला यूज़ करूँगा क्लाउड, इसमें थोड़ा सा साइज बड़ा करते हैं, थोड़ा सा इसकी सेटिंग इस तरह से करते हैं, इसकी कॉपी लेते हैं, मूव करेंगे इसको, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, हम इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, थोड़ा छोटा, थोड़ा सा रैप कर देते हैं ताकि थोड़ी शेप चेंज हो जाएगी। ग्रेट, इसकी एक और कॉपी ले लेते हैं, मैं इसको इधर लगाना पसंद करूंगा, थोड़ा साइज छोटा कर सकते हैं हम इसका। ग्रेट, तो हम अब इन क्लाउड्स को यहाँ पे मर्ज करने की कोशिश करेंगे, ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये क्लाउड्स इसी इमेज का हिस्सा हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम इनका कलर मैच करवाने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए मैं इन तीनों क्लाउड्स को ग्रुप में ऐड करता हूँ,
तो ये ग्रुप क्रिएट हो गया है जिसका नाम मैं लिखता हूँ क्लाउड्स। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्लाउड्स आ गए हैं। और थोड़ा सा काम इसमें ये करते हैं कि सबको हम एक लेयर मास्क प्रोवाइड करते हैं और इनको इंडिविजुअल लेवल पे भी थोड़ा सा कंपोजिट करते हैं। तो मैं ग्रेडियंट टूल लूँगा जिसके अंदर ब्लैक और वाइट दोनों होंगे अवेलेबल, जिसकी वैल्यू ब्लैक से वाइट जाएगी इस तरह से। ग्रेट। ग्रेट। सो हमारी ये क्रिएट हो चुकी है। अब हम क्या कर सकते हैं कि मैं इसको जो हमारी क्लाउड्स वाली लेयर है, जो फोल्डर है सॉरी, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। ये हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। अब इसको कलर करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक एडजस्टमेंट लेयर लूँगा जो कि होगी ग्रेडियंट मैप। ग्रेडियंट मैप पे जाऊँगा, इसका एक क्लिपिंग मास्क ऑन करूँगा ताकि ये इफ़ेक्ट हमारा सिर्फ क्लाउड्स पे ही फिल हो। और यहाँ से मैं ग्रेडियंट मैप के आइकॉन को क्लिक करूँगा, सेलेक्ट करूँगा। और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पैनल पे आप देख सकते हैं कि ग्रेडियंट मैप शो हो रहा है। मैं यहाँ क्लिक करूँगा। तो दोस्तों अब आप जानते हैं कि लेफ़्ट साइड पे जो ग्रेडियंट है वो हमारा डार्कर कलर्स को रिप्रेजेंट करता है, और जो सा हमारा राइट साइड पे ग्रेडियंट होगा वो हमारा ब्राइटर साइड्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम इनको पहले फ्लिप कर लेते हैं ताकि ये अपनी अपनी सही लोकेशंस पे आ जाएं। तो चलिए अब हम क्या करेंगे कि हम कलर्स को सिलेक्ट करना शुरू करेंगे। हम इमेज में से क्लाउड्स की सबसे डार्कर कलर को सिलेक्ट करते हैं जो कि ये है, और अब सबसे ब्राइटर कलर को सिलेक्ट करते हैं जो कि मेरे हिसाब से ये है। ग्रेट। अब थोड़ा सा इसे लाइटर से थोड़ा सा डार्क की तरफ जाते हैं, बट हमें लाइटर मिल गया है उससे भी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को फ्लिप कर देते हैं इस तरह से, और यहाँ पे थोड़ा सा इससे लाइट कलर लेते हैं जो डार्कर कलर हमने सेलेक्ट करा है जो कि मेरे हिसाब से ये होगा। तो हमारा कलर बन चुका है। इस वक्त हमें सिर्फ क्या करना है, बीच में एक और एडजस्टमेंट लेयर डालनी है जो कि होगी हमारी कर्व्स एडजस्टमेंट, जो इसके बीच में कॉन्ट्रास्ट अवेलेबल करवाएगी सो डैट कि जो हमारा डार्कर कलर है वो भी यहाँ पे शो हो। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ऐड करवाता हूँ, इसको मूव करवाता हूँ। इस तरह से तो हमारा ये कलर रिप्रेजेंट हो गया है, यहाँ पे हमें शो होना शुरू हो गया है, कलर करेक्शन हमारी वर्क कर रही है। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक तो क्लोनिंग यूज़ कर सकते हैं इस वक्त पे हमें क्योंकि ब्लेंड करवाना है, या फिर साथ में हम इनका लेयर मास्क अप्लाई करके इस पे और ब्रश टूल का यूज़ करके इसको ब्लेंड करवा सकते हैं। तो हम दोनों ही यूज़ करेंगे इसके बीच में। तो सबसे पहले मैं क्लोनिंग करूँगा। क्लोनिंग करने के लिए मैं एक नई लेयर लेता हूँ इसके ऊपर। अब मैं यहाँ पर क्लोनिंग टूल्स में यहाँ पे हीलिंग टूल्स में जाऊंगा। तो ये हमारे हीलिंग टूल्स हैं। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा हीलिंग ब्रश टूल। ऑल्ट के साथ मैं एक सैंपल सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे सैंपल पे ऑल लेयर सेलेक्ट करूँगा ताकि ये हर लेयर से सैंपल ले। और साथ में ब्रश को मैं सॉफ्ट रखूँगा, हार्डनेस इसकी कम रखूँगा इस तरह से, और इसको यूज़ करना शुरू करूँगा। आप देख सकते हैं कि हमारे क्लाउड्स जो से हैं वो ब्लेंड हो रहे हैं।
काफ़ी अच्छा इफेक्ट बन रहा है। तो अब हमें दोस्तों क्या करना है, जो हमारे क्लाउड्स हैं वो एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट हैं, इनको मैं फिल्टर में जाके थोड़ा ब्लर करूँगा, गॉसियन ब्लर का यूज़ करूँगा ताकि ये थोड़ा सा ब्लर हो जाए, क्योंकि जितना ये मर्ज होंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए बेहतर होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये और अच्छे से इसमें घुल गए हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लाउड्स की लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ पे एक लेयर मास्क मैंने ऐड करा है, तो इसके ऊपर मैं ब्रश टूल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ब्लैक का सिलेक्शन करके यहाँ पे ब्रश टूल को सॉफ्ट करके यूज़ करूँगा इस तरह से। इसको और अच्छे से ब्लेंड करवाने के लिए जहाँ पे आपको लगे आपने ज़्यादा कर दिया है वहाँ पे हम वाइट कलर को सामने रख के फिर से ब्रश को फेर सकते हैं इस तरह से। हमारे पास इस टाइम ये है, हमारा कंपोजिट हो चुका है काफ़ी हद तक। तो अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे स्मोक को इंपोर्ट करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मोक का यूज़ करा है मैंने, तो उसके लिए मैं इंपोर्ट करता हूँ स्मोक को जो कि मैंने PNG ट्री से डाउनलोड करी थी। इसका हम मोड चेंज करते हैं जो कि ओवरले है, या हम स्क्रीन भी यूज़ कर सकते हैं, मुझे स्क्रीन ज़्यादा बेहतर लगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हमारा अंडरलाइंग लेयर्स जो ऑप्शन आ जाता है लेयर स्टाइल्स में, मैं इसको ट्विक करूँगा। हमारे जो डार्कर एरियाज हैं उनको हमें रिमूव करना है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं कैसे, ऑल्ट होल्ड करेंगे और इस स्लाइडर को मूव करना शुरू करेंगे इस तरह से। और इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे कंट्रोल टी के साथ इस तरह से। तो दोस्तों अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक लेयर मास्क लूँगा और साथ में ब्रश टूल के साथ ब्लैक कलर फोरग्राउंड में रख के पेंट करना शुरू करूँगा। फिर से हमें सॉफ्ट ब्रश ही लेना है आप देख सकते हैं हमने बहुत अच्छे से पेंट करा है। अब इसके बाद हमें इसकी और कॉपीज लेनी होंगी, थोड़ा सा इफ़ेक्ट को इंक्रीज करने के लिए हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इस तरह से। आप देख सकते हैं कि इफ़ेक्ट काफ़ी अच्छा बन गया है। इसको हम बाद में लिक्विफाई भी कर सकते हैं। और साथ में अब हमें दिखाना है कि इसके बीच में से नीचे की तरफ भी थोड़ी सी स्मोक आ रही है जो आती है नॉर्मली, तो उसके लिए हम इसकी एक और कॉपी लेंगे और मैं इसको फ्लिप करता हूँ, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और फ्लिप करेंगे नीचे की तरफ वर्टिकली। इसकी और कॉपीज लेते हैं इस तरह से। तो अब आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से ये प्लेस हो गया है, जो हमारे ये नीचे वाले हैं इनको हम बैक साइड पे प्लेस करते हैं इसकी, जो हमारे सबसे पहली कॉपीज थी उनको मैं नीचे पेस्ट करूँगा, इनकी लेयर्स को नीचे लेके जाऊँगा ताकि हमें ये प्रॉपर दिखे कि इसकी बैक साइड से ये रिलीज़ हो रही हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे अब और स्मोक डाल सकते हैं,
यहाँ पे इस तरह से। तो ये हमारा क्रिएट हो गया है, अब हम इसकी कलर करेक्शन करते हैं। तो कलर करेक्शन के लिए दोस्तों क्या करना होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे जो मेन कलर है इस इमेज का वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ और यहाँ पे जाऊँगा फिल्टर में, यहाँ पे ब्लर है हमारे पास, ब्लर में जाके एवरेज कलर हम फाइंड आउट करेंगे जो कि ये बताएगा कि इसके ऊपर उस टाइम पे टिंट कौन सा है। तो हमारे पास टिंट आ चुका है जो कि हमें इसके ऊपर भी डालना है, इसके ऊपर डालना है जो कि हमारा वास है, इसके ऊपर ओवरले करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसके कलर के ऊपर हमें अब इफेक्ट पड़ा है। ये इसलिए पड़ा है दोस्तों क्योंकि ये अब उसी कलर का टिंट इसके ऊपर भी पड़ना शुरू हो गया है। इसी तरह से इसके एक और कॉपी लेंगे जो हम क्लाउड लेयर के ऊपर भी डाल सकते हैं। तो हमारी जो क्लाउड लेयर है वो है यहाँ पर, जो हमारी स्मोक्स हैं उनको ग्रुप करेंगे, कंट्रोल जी के साथ। तो आप देख सकते हैं ये ग्रुप हो गए हैं। तो चलिए अब हम इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है जिसको हमें सॉल्व करना ज़रूरी है। मैं यहाँ पे क्लाउड्स लेयर में जाता हूँ और यहाँ पे ब्रश टूल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा कलर फिल करता हूँ। ग्रेट, तो अब इसे हमें कलर करेक्ट करना होगा फाइनल टच देने के लिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं या तो कलर बैलेंस या तो सेलेक्टिव कलर। मैं कलर बैलेंस के साथ अभी जाऊंगा। यहाँ पे मैं शेडोज को थोड़ा सा मूव करने की सोच रहा हूँ, ब्लूज की तरफ, सियांस की तरफ, थोड़ा सा इसको इस तरह से मूव करते हैं और हाइलाइट्स को थोड़ा सा मूव करते हैं येलोज की तरफ लिटिल बिट और रेड्स की तरफ। ग्रेट, इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी मैं डाउन करना चाहूंगा। और उसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पर सिलेक्टिव कलर के साथ प्ले करना चाहूँगा जिसको मैं ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा और यहाँ पे हमारे पास रेड्स हैं थोड़े से जिनके बीच में मैं येलोस को थोड़ा सा ऐड कर सकता हूँ या फिर कहें हम येलोस को थोड़ा सा डाउन करके येलोस को थोड़ा सा डाउन करके सियांस को ऐड कर सकते हैं, थोड़े से मैजेंटास इस तरह से, येलोस में थोड़ा येलोस ऐड कर सकते हैं ताकि ग्रीन का कलर प्रॉपर आए। थोड़ा सा येलो को यहाँ भी ग्रीन्स में बढ़ाते हैं। इस तरह से थोड़ा सा आप सियांस के साथ प्ले करते हैं। थोड़ा सा मैं सियान को कम करूंगा, येलो को भी, और थोड़ा सा मजेंटास को भी, और इसी तरह ब्लूज में जाते हैं। थोड़ा सा इसमें येलो ऐड करूंगा ताकि ब्लू में थोड़ा सा ग्रीनिश टोन आए जो कि इसको कॉम्प्लीमेंट दे साथ में। अब थोड़ी सी हम यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट लेवल को मूव करेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पर अब हम वाइट्स, नेचुरल्स और ब्लैक्स के साथ खेलेंगे, मतलब हाइलाइट्स, मिड टोन्स एंड शेडोज कह सकते हैं। हाइलाइट्स में येलो थोड़ा सा मैंने बढ़ाया है,
मैजेंटा थोड़ा सा इंक्रीज करा है, अब हम मिड टोन्स पे हैं। तो मिड टोन्स पे मैंने येलो को प्लस टू करा है और थोड़ा सा सियांस को इसमें से रिमूव करता हूँ। थोड़ा सा ब्लैक्स को कम करा है। अब यहाँ पे ब्लैक्स में मैं थोड़ा सा येलोस को कम करूँगा, मैजेंटास को थोड़ा सा कंट्रोल करूँगा, ये इस तरह से। और ब्लैक्स को यहाँ पे मैं कंट्रोल करता हूँ। अब हम थोड़ा सा कर्व्स का यूज़ कर सकते हैं। लाइक दिस। तो ये हमारा आर्टवर्क तैयार हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो के बारे में आप कुछ भी हमसे शेयर करना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं समझ आया है या कोई भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमें आपके सवालों के जवाब देने में बहुत खुशी होगी। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है और आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।